हसन बसरी रहमहुल्ला के सामने एक आदमी नमाज पढ़ रहा था। ऐसे वक्त में जिस वक्त नमाज पढ़ने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, उन्होंने कहा कि भाई नमाज मत पढ़ो। उस आदमी ने कहा हल युअद्दिबुनी अल्लाहु अलस्सलाह, कि अल्लाह ताला मुझे नमाज पढ़ने पर अजाब देगा, मैं नमाज ही तो पढ़ रहा हूं। हसन बसरी ने कहा नहीं, नमाज पढ़ने पर अजाब नहीं देगा, नबी की मुखालफत करने पर अल्लाह अजाब देगा। और युसीबहुम अजाबुन अलीम, जो नबी की मुखालफत करते हैं वो या तो दर्दनाक अजाब में मुब्तला हो जाएंगे या फितने से दो चार कर दिए जाएंगे। या अय्युहल्लज़ीन आमनू अतीउ अल्लाह व अतीउ अर्रसूल व ला तुबतिलू अमालकुम। हज़रीन गिरामी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने ईमान के साथ सवाब की उम्मीद के साथ रमज़ान के रोज़े रखे, क़यामुल लैल का अहतमाम किया, और इसी तरह से और एक रिवायत में है कि शब कदर में क़याम किया तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तीनों आमाल के लिए बुनियादी शर्त ईमान और एहतसाब है। इन्हीं को नेक आमाल कबूल होने की शर्तें भी करार दी गई है। नेक आमाल कबूल होने की तीन बुनियादी शर्तें हैं। अगर ये शर्तें, ये कंडीशंस हमारे आमाल में हों तो आमाल अल्लाह के पास काबिले कबूल हैं, वरना नहीं। पहली शर्त ईमान, अकीदाए तौहीद, और उसके जिद है कुफर और शिर्क। दूसरी शर्त इखलास और इल्लाहियत, जिसके ऑपोजिट और जिद है दिखावा, रियाकारी। शिर्क व कुफर की वजह से आमाल बर्बाद होते हैं। शिर्क व कुफर के साथ अगर इंसान के पास दिखावा और रियाकारी हो, उसकी वजह से भी आमाल बर्बाद होते हैं। इसी तरह से तीसरी और आखिरी शर्त जो कल रह गई थी वो है इत्तिबाए रसूल। हमारे और आपके आमाल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें कही हैं और जिन बातों का हुक्म दिया है, आमाल में, इबादात में, नेकियों में तरीक़ा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होना चाहिए। अगर नहीं तो हमारे आमाल बर्बाद हैं। अल्लाह ताला ने सूरह मोहम्मद में ही फरमाया, ईमान वालों को खिताब करके, यानी ईमान के साथ इसका होना जरूरी है, या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ऐ ईमान वालों, अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करना, व अतीउर रसूल, और रसूल की इताअत करना। अल्लाह उसके रसूल की इताअत अगर नहीं है, वला तुबतिलु अमालकुम, तो तुम अपने आमाल को बर्बाद कर रहे हो, लिहाजा तुम ऐसा मत करो। अल्लाह उसके रसूल की इताअत करके अपने आमाल को बर्बाद व ज़ाय ना करो। साफ माना और मतलब है, अल्लाह उसके रसूल की अगर इताअत नहीं है, तरीक़ा नहीं है नेक आमाल में, तो वो बर्बाद है, वो अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं है। इताअत रसूल और इत्तिबाए सुन्नत की सारी बातों को जामे अंदाज में अल्लाह ने एक आयत में बयान फरमाया है, और वो है सूरतुल हुजरात की पहली दो आयतें। अल्लाह ताला ने पहली आयत में फरमाया
ईमान वालों से खिताब यहां पर भी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या अय्युहल्लज़ीन आमनु ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलकौलि कजहरि बादिकुम लिबाद अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। आए ईमान वालो, ईमान का तकाजा यह है कि ईमान व इखलास के साथ तुम अपनी बातों को, अपनी आवाज को नबी की आवाज के सामने ऊंची ना करो। कितनी बड़ी बात है, अपनी आवाज को नबी की आवाज के सामने ऊंची ना करो। और दूसरी आयत अल्लाह ने फरमाया कि तुम अपनी बातों को या किसी और की बातों को अल्लाह रसूल की बातों से मुकद्दम ना रखो, आगे ना बढ़ाओ। अल्लाह उसके रसूल की बात आ गई, सब की बात खत्म कर दो, सब की बात छोड़ दो, चाहे वो इमामों की बात हो, अइमा की बात हो, बुजुर्गों की बातें हो, बड़ों की बातें हो, अपने बाप दादाओं का तरीका हो, किसी और जगह के कस्टम हो, अल्लाह उसके रसूल का तरीका आ गया, यही सबसे मुकद्दम, इनसे नीचे सब। अगर यह है तो तुम मोमिन हो, तुम्हारे आमाल अल्लाह के पास काबिले कबूल है। और अगर ऐसा ना करोगे अंतहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, तुम्हारे आमाल बर्बाद और अकारत चले जाएंगे और तुम्हें उसका एहसास तक नहीं होगा, एहसास तक नहीं होगा कि हम आमाल तो कर रहे हैं मगर वो आमाल अल्लाह के पास काबिले कबूल नहीं है। हाजरीन, आमतौर से लोग कहते हैं कि नमाज ही तो पढ़ रहे हैं, रोजा ही तो रख रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे, कुरान खानी कर रहे हैं, फातिहा पढ़ रहे हैं, दुरूद पढ़ रहे हैं, गलत क्या है? तो याद रखिए, गलत यही है कि नबी के तरीके पर नहीं है। तीन सहाबा इकराम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी के पास तशरीफ लाए सवाल करने के लिए कि नबी के रोजमर्रा के आमाल और इबादात कैसे होते थे। जब उनको बताया गया, उन लोगों ने अपनी इबादतों को कमतर समझा और उनमें से एक ने इरादा किया रात भर इबादत करूंगा, कभी नहीं सोऊंगा। दूसरे ने कहा मैं दिन भर रोजा रखूंगा, कभी तर्क नहीं करूंगा। तीसरे ने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा। आने वाले सहाबा जिनके पास ईमान है, इखलास है, ईमान उनका ईमान हमारे और आपके सारी दुनिया वालों के लिए मेयार है, कसौटी और तराजू है, बुनियाद है कि ईमान तुम अगर सहाबा की तरह लाओगे तो ही काबिले कबूल है। अल्लाह ने सूरह बकरा में फरमाया फइन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिह फकद इहतदौ। अगर ये दुनिया वाले यहूद व नसारा, हुनूद व मुशरिकीन, सारे इंसान अगर सहाबा की तरह ईमान लेकर आए तो ही अल्लाह के पास काबिले कबूल हैं। सहाबा को मेयार करार दिया गया, इखलास लिल्लाहियत के पैकर हैं वो लोग। लेकिन नबी को पता चला कि इन लोगों ने नमाज का, रोजे का, अपनी जिंदगी को वक्फ करने का इरादा किया जो कि मेरा तरीका नहीं है। है तो वो नमाज, है तो वो रोजा, मगर मेरे तरीके पर नहीं है। इस हदीस से उन सारे लोगों के सवाल का जवाब मिल जाता है जो कहते हैं कि नमाज ही तो पढ़ रहे हैं, रोजा ही तो रख रहे हैं, दुरूद ही तो पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत ही तो कर रहे हैं, फातिहा तो पढ़ रहे हैं, गलत क्या है? गलत यही है कि नबी को पूछो कि नबी ने उन तीन साहब इकराम से क्यों कहा फमन रगिब अन सुन्नति फलैस मिन्नी, मेरी सुन्नत से हट के कोई नमाज पढ़ ले, रोजा रख ले, हज कर ले, जकात दे दे, सदका खैरात करे, दावत व तबलीग का काम करें, दुआ दरूद पढ़ा करें, वो काबिल कबूल नहीं है, काबिल कबूल नहीं है अल्लाह के पास। हाजरीन, इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने एक आदमी छींका, छींकने के बाद उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हम और आप होते तो गलत क्या है, दरूद ही तो पढ़े हैं ना। उन्होंने बुलाया, बुलाने के बाद कहा कि तुमने दरूद क्यों पढ़ा? अब सहाबी को पूछो उन्होंने दरूद पढ़ने से क्यों मना किया, कहा कि तुमने दरूद यहां क्यों पढ़ा? अल्लाह के रसूल ने हमें सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह सिखाया, छींकने के बाद तुमने ऐड क्यों कर लिया, ऐड क्यों कर लिया? तरीका नबी से साबित होना चाहिए। इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी की वफात के ज्यादा दिन नहीं, चंद अयाम या चंद महीनों के बाद
बगदाद गए, बगदाद के जामे मस्जिद में उन्होंने देखा कि लोग ग्रुप बनाए हुए हैं, अलग अलग ग्रुप हैं और अलग अलग ग्रुप के अलग अलग अमीर है, अमीर हल्का है। ग्रुप में 8-10-20 लोग हैं जो लीडर हैं, उनके हाथ में कंकरियां हैं, वो एक कंकरी फेंक रहे और कह रहे कहो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरी कंकरी अल्लाह अकबर, यानी इज्तिमाई शक्ल में अस्कार कर रहे हैं। हम और आप होते गलत क्या है भाई, अस्कारी तो कर रहे हैं ना। इब्ने मसूद ने उनको टोका, कहा कि तुमने ये तरीका जो राइज किया है यह अल्लाह के रसूल से साबित नहीं है। अब पूछो सहाबी से, भाई अस्कारी तो कर रहे हैं, गलत क्या है? गलत यही है कि नबी का यह तरीका नहीं। सहाबा कभी इस तरह से ग्रुप बना के, ग्रुप की शक्ल में अल्लाह अकबर सब मिलके बोले, ऐसा नहीं था, तरीका नबी का नहीं था। जब इब्ने मसूद ने रोका, हर जाहिल जो जवाब देता है उन लोगों ने वही जवाब दिया, उन्होंने कहा मा अरदना इल्ला अल खैर, हमारी दिल की नीयत अच्छी है, दिल की नीयत अच्छी है, हम तो खैर और नेकी के इरादे से कर रहे हैं, अल्लाह के अस्कारी तो कर रहे हैं, गलत क्या है? इब्ने मसूद का मनहज देखो, सहाबा का ये मनहज है, ये मेथोडोलॉजी है, ये तरीका है। इब्ने मसूद ने कहा, और यही सब के लिए पैगाम और मैसेज है, उन्होंने कहा कम मिन मुरीदिन लिल खैर ला युदरिकु, कितने खैर के नेकियों के चाहने वाले नेकियां पाते नहीं है, नेकियों को हासिल नहीं कर पाते हैं, इरादा दिल में होने से ही आपके आमाल नेक हो जाए नहीं है। सहाबा आए थे, इरादा उनका नेक था, नियत खालिस थी, ईमान था, नगर नहीं था तो नबी का तरीका नहीं था, काबिले कबूल नहीं। और ये तीनों शर्तें एट ए टाइम होना चाहिए, अगर उनमें से एक भी नहीं काबिले कबूल नहीं, ईमान है इखलास है इत्तिबाए सुन्नत नहीं काबिले कबूल नहीं, ईमान है इत्तिबाए सुन्नत है इखलास नहीं तब भी काबिले कबूल नहीं, इखलास है इत्तिबाए सुन्नत है ईमान नहीं तब भी काबिले कबूल नहीं है, एक शर्त भी अगर ना हो हमारे और आपके आमाल अल्लाह के पास काबिले कबूल नहीं है। दुरूद के बारे में मालूम कर लिए, अस्कार के बारे में मालूम कर लिए, नमाज रोजे के बारे में मालूम कर लिए हैं, अब याद रखिए, आइए मैं आपको हज उमरे का बताता हूं। इमाम मालिक रहमहुल्ला के सामने एक आदमी उमरे का एहराम बांध रहा था और वो एहराम बांध के लब्बैक कहना शुरू कर रहा था मस्जिद नबवी से। इमाम मालिक ने कहा कि भाई यहां से एहराम मत बांधो, एहराम तो और उसकी नीयत तो ज़ुल्हुलैफा से नबी ने किया है, मदीने से बाहर निकल के ज़ुल्हुलैफा में करो। उसने कहा मस्जिद नबवी है, इसका बड़ा ऊंचा मुकाम है, मैं यहां से करूं तो गलत क्या है? इमाम मालिक ने कहा इन्नहु लमफ्तून, ये आदमी फितने में मुब्तला है, ये आदमी फितने में मुब्तला है। कहा भाई क्यों? कहा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरत नूर आयत नंबर 63 में अल्लाह ताला ने फरमाया فليحذر الذين يخالفون عن امري ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم, उन लोगों को डरना चाहिए जो नबी की मुखालफत करते हैं, कहीं वो फितने में मुब्तला ना हो जाए, नबी ज़ुल्हुलैफा से एहराम बांधे और ये यहां कर रहे हैं नबी की मुखालफत में, ये फितने में मुब्तला है। हसन बसरी रहमहुल्लाह के सामने एक आदमी नमाज पढ़ रहा था, ऐसे वक्त में जिस वक्त नमाज पढ़ने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, उन्होंने कहा कि भाई नमाज मत पढ़ो। उस आदमी ने कहा हल युअद्दिबुनी अल्लाहु अलस्सलाह, कि अल्लाह ताला मुझे नमाज पढ़ने पर अजाब देगा, मैं नमाज ही तो पढ़ रहा हूं। हसन बसरी ने कहा नहीं, नमाज पढ़ने पर अजाब नहीं देगा, नबी की मुखालफत करने पर अल्लाह अजाब देगा, और युसीबहुम अजाबुन अलीम, जो नबी की मुखालफत करते हैं वो या तो दर्दनाक अजाब में मुब्तला हो जाएंगे या फितने से दो चार कर दिए जाएंगे। मालूम यह हुआ कि हमारे और आपकी हर नेकी अल्लाह ने आखिरी रसूल को भेजा एक उसवा बनाकर, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसवा हसना आइडियल और मॉडल है,
आइडियोलॉजी के तौर पर उनको भेजा गया है। नबी ने फरमाया तुम उसी तरह से नमाज पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखे हो। सल्लु कमा रअयतुमुनी उसल्ली, अगर हमारे और आपकी सलात सलात नबवी नहीं है, सलात रसूल नहीं है, तो काबिल कबूल नहीं है। नबी ने हज उमरे के ताल्लुक से फरमाया खुदु अन्नी मनासिककुम, तुम मुझसे हज और उमरे का तरीका ले लो जैसे मैं कर रहा हूं, अगर उस तरीके पर नहीं तो काबिल कबूल नहीं है। याद रखिए मेरे भाइयों, हर वो नेकी जो नबी के तरीके पर हो वही काबिल कबूल है। खाने पे फातिहा पढ़ने का जिक्र नबी से नहीं है, सूरह फातिहा नमाज में पढ़ने का जिक्र है, वहां तो पढ़ते नहीं है, खाने पे पढ़ने का जिक्र नहीं है। दरूद अजान के बाद पढ़ने का जिक्र है, अजान से पहले पढ़ना वही होगा बिदात। यानी हर वो काम हर वो इबादत अल्लाह के लिए करो वो है तौहीद, और वो तरीका नबी का हो तो सुन्नत, नबी के तरीके से हट गए तो बिदात। और बिदाती का कोई अमल अल्लाह कबूल नहीं फरमाता है, काके उसकी तरफ से कबूल नहीं होता। अदलुम वाला सर्फ, यानी ना उसके फराइज ना नवाफिल कुछ भी अल्लाह की तरफ से कबूल नहीं है। मालूम यह हुआ कि हम अगर अपने आमाल को अल्लाह के पास काबिल कबूल करवाना चाहते हैं, इन तीन शराइत का एक साथ होना बहुत जरूरी है। और खासतौर से इत्तबाए रसूल में लोग गुमराह है, नेकी तो कर रहे हैं, गलत क्या है, ये लोग हर चीज को बिदात बिदात शिर्क कुफ्र कहते हैं। भाई हर चीज को नहीं, वो चीज जो नबी के तरीके से हटके हैं हम उसी को बिदात कहते हैं, और बिदात है ही उसी का नाम है। दुआ कीजिए रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबरक तआला हमें और आपको इत्तिबाए रसूल की तौफीक अता फरमाए, और हर काम में तीन जो बुनियादी शरायत है उन शरायत को मलहूज रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुभानक अल्लाहुम हमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका वअतूबु इलैक। सल्लल्लाहु नबीना मुहम्मद।